Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लेकर आ रही हूँ ऑर्डर एंड रैंकिंग की सीरीज, और उस सीरीज का आज है पहला दिन। तो आज हम करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का फर्स्ट पोर्शन। सबसे पहले हम करेंगे सिंगल पर्सन बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास सिंगल पर्सन बेस्ड क्वेश्चंस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि एग्जामिनर आपके पास इस कंडीशन में कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट आपको देता है। यहाँ पर आपके पास साफ साफ आप देख पा रहे हैं, एग्जामिनर कहता है मोहन इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड सेवेंथ फ्रॉम राइट साइड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन दैट रो। बताइए इस रो में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आए तो आपको करना क्या है, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपके पास में लेफ्ट साइड उस पर्सन की, आई अप्लाई इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फर्स्ट लेफ्ट साइड हमारे पास जो पर्सन की दी गई है दैट वॉज 5, हमने अप्लाई कर दिया 5, प्लस राइट साइड ऑफ दैट पर्सन दैट इज 7, 7 अप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। अब बात आती है मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बार डायग्राम को देखेंगे। अगर हमारे पास कोई पर्सन लेफ्ट कॉर्नर से फिफ्थ है और वही पर्सन आपके पास राइट कॉर्नर से सेवेंथ है, तो हमने एक पर्सन को 2 times काउंट कर लिया। 2 times काउंट किया, इस वजह से हम इस पर्सन की एक वैल्यू को माइनस करेंगे। कैलकुलेट करने से आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, 5 + 7 करते हैं 12, 12 - 1 करेंगे 11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए, 11 इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए हमारे पास में देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन जो कि आपके पास है दैट वॉज लेफ्ट साइड से अगर आपसे पोजिशन पूछ ली जाए, तो उस केस में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में टोटल एंड राइट मिलेगा, तो ही आप लेफ्ट साइड से सिंगल पर्सन का पोजिशन निकाल पाएंगे। तो चेक करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट कैसे होगी। यहाँ पर आपको बोला गया है एक पर्सन है मोहन, इसका पोजिशन 15th है, कहाँ से, राइट साइड से। मोहन का पोजीशन राइट साइड से बता दिया गया है कि ही इज 15th फ्रॉम राइट एंड इन द रो ऑफ 121 स्टूडेंट्स। ये 121 क्या है, ये 121 स्टूडेंट्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्संस है। अब इनके साथ में पूछा गया है बताइए फाइंड हिज पोजीशन, यानी कि मोहन की पोजीशन बताइए राइट एंड से क्या होगी या फिर लेफ्ट हैंड से क्या होगी। अब आपके पास अनदर एंड कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट, ये जानने के लिए देखेंगे। यहाँ पर राइट गिवन है, तो अनदर एंड आपके पास क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट साइड से आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास में टोटल दैट वॉज योर 121 माइनस 15 राइट साइड आपके पास में टोटल दैट इज 121 माइनस राइट साइड दैट इज 15, नेक्स्ट आपके पास है +1। अब आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके पास में एक पर्सन का जो पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करना है, आपने उस पर्सन को यहाँ पर माइनस कर दिया, और उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन निकालने के लिए, उस पोजीशन के लिए आप उसकी एक पोजीशन को ऐड करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशंस के बाद में, तो 121 प्लस 1 122, 122 में से आप माइनस करेंगे 15 के कैलकुलेशंस को, देन यू विल रिसीव 107, यू विल रिसीव द सब्ट्रैक्शन 122 माइनस 15 दैट इज 107 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास 107 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हमारे पास में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब आपको फिर से टोटल दिया है, एक पोजीशन दी है और दूसरी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है।
क्वेश्चन कैसा यहाँ पर आ सकता है। क्वेश्चन के रिगार्ड में बोला जा रहा है, अगर मोहन की पोजीशन आपके पास में लेफ्ट कॉर्नर से दी जाए, टोटल नंबर ऑफ पर्संस दे दिए जाए, तो बताइए अनदर एंड से इसकी पोजीशन क्या होगी। अनदर एंड यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट आपको गिवन है स्टेटमेंट में, तो अनदर एंड आपके पास होगा राइट साइड। तो यहाँ पर राइट साइड के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, टोटल दैट वॉज 36 सब्ट्रैक्टेड बाय 5 लेफ्ट साइड का पोजीशन, प्लस करेंगे 1 के साथ में, इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37 माइनस 5 दैट इज 32 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 32 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो फटाफट से एक झटपट से रिकैप लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने रीड किया आज के इस पूरे सेशन में टोटल नंबर ऑफ पर्संस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टोटल के लिए आपके पास फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड ऑफ अ सिंगल पर्सन एंड प्लस में राइट साइड फ्रॉम द सेम पर्सन सब्ट्रैक्टेड बाय 1। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी पर्सन के केस में टोटल प्लस में आपको राइट साइड दे दिया जाए, तो लेफ्ट साइड से पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए लेफ्ट इज इक्वल्स टू टोटल माइनस राइट साइड प्लस 1 होगा। बढ़ते हैं, अगर राइट साइड से पोजीशन आइडेंटिफाई करने को बोला जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा। राइट साइड इज इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये था आपके पास ऑर्डर एंड रैंकिंग का सिंगल पर्सन बेस्ड कॉन्सेप्ट। ऐसे ही मैं आपके पास और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आती रहूंगी। ऑर्डर एंड रैंकिंग के पूरा चैप्टर हम ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7। सब्सक्राइब अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन।